जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दैट मींस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको किस डिफरेंट क्लास में कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो मेनली यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्लास में डिवाइड ना करके यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट मींस ओपन चेन एंड साइक्लिक फॉर्म। जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रीड करते हैं तो हम क्या देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है, एथेन है, CH3 ये एथेन है। और जब हम बात करते हैं बेंजीन, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसे हम बनाते हैं, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो दैट मींस इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक तो सिंपल हम देख रहे हैं एथेन है, बेंजीन है, बट इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग दिख रहा है और इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग दिख रहा है। तो स्ट्रक्चर के बेस पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे क्लासीफाइड करते हैं, आई बात करते हैं इस वीडियो में। तो देन फर्स्ट यहाँ पर एक हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे पास क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड से राइट करते हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसको हम डिवाइड करते हैं टू टर्म में। फर्स्ट क्या होता है मेरा ओपन चेन कंपाउंड। अब वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर क्या करते हैं ओपन चेन कंपाउंड का भी अदर नेम हम यूज करते हैं एलिफैटिक कंपाउंड और इसी को हम बोलते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड। तो दैट मींस ये आपका क्या हो गया ओपन चेन कंपाउंड, या इसी को हम क्या बोलेंगे एलिफेटिक कंपाउंड और एसाइक्लिक कंपाउंड। एग्जांपल्स की हम बात करते हैं, दैट मींस जहां पर रिंग का फॉर्मेशन ना हुआ हो उसको हम क्या बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या हो गया CH3 CH2 CH2 CH3 अदर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। दैट मींस डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, नो मीनिंग, यहां पर आपको देखना है जो कंपाउंड होगा वो कैसे होगा, ओपन चेन फॉर्म में होगा, साइक्लिक फॉर्म में नहीं होगा। बट जो दूसरा कंपाउंड्स मेरे पास है ये ओपन चेन हो गया और दूसरा कैसा होता है हम बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड। दूसरे को हम क्या बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड। और साइक्लिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें कि अदर नेम क्या होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं, और जैसे यहां पर क्या है ओपन चेन कंपाउंड, यहां पर हो जाता है क्लोज्ड चेन कंपाउंड और रिंग लाइक कंपाउंड। दैट मींस इनमें क्या हो जाता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, इसको हम क्या बोलेंगे रिंग लाइक कंपाउंड्स। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट आपको समझना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन आपका क्या है ओपन चेन कंपाउंड्स को एलिफैटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, और दूसरा हमारा क्या है साइक्लिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स, इसको हम क्लोज्ड चेन कंपाउंड भी कहते हैं क्योंकि ये ओपन चेन है, और रिंग लाइक कंपाउंड दैट मींस इस पे जो कंपाउंड्स होंगे रिंग जैसे स्ट्रक्चर होंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, साइक्लोब्यूटाडाइईन यहां पर हम देखते हैं, साइक्लोपेंटेन ये क्या हो जाएगा बेंजीन, ये क्या हो जाएगा बेंजीन। तो दैट मींस यहां पर हम क्या देख रहे हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये आपका क्या हो गया रिंग लाइक कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड हो गया, या क्लोज चेन कंपाउंड हो गया, और दूसरा हमारा क्या है ओपन चेन कंपाउंड्स है। तो फर्स्ट टर्म में हमें ये रीड करना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड्स में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं क्लासीफाई करते हैं। तो इसका तो जो क्लासिफिकेशन है ओपन चेन कंपाउंड्स का ये कंप्लीट होता है, बट जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन अभी मुझे आगे ले जाना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं
ये हमारा सेकेंड क्या होता है, साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड्स को हम क्लासिफाई करेंगे तो ये भी डिवाइड होता है टू पार्ट्स में। एक आपका होगा होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमो साइक्लिक कंपाउंड, और सेकेंड की हम बात करते हैं हेट्रो साइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स है इसको हम डिवाइड करते हैं आगे। पहली बात तो ये समझना है होमोसाइक्लिक कंपाउंड दैट मींस ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। ऐसी साइकिल का फॉर्म हो रहा है, ऐसे कंपाउंड्स का फॉर्म हो रहा है जिसमें ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम है। जब हम बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की तो यहां पर आपको मीनिंग ये समझना है हेट्रो एटम। क्या समझना है? हेट्रो एटम। तो सिंपल पे आपको हम बता दें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन जो होता है आपका वो होमो एटम, दैट मींस चीफ एटम्स माना जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अदर उसके बाद जो एलिमेंट्स आते हैं, जो एटम्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हेट्रो एटम्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये समझना है जो हेट्रो एटम्स है तो मेनली जो मेटल्स होते हैं बहुत कम ऑर्गेनिक के साथ उनके कॉम्प्लेक्स हम देखते हैं। मेनली हम बात करते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। ये एटम्स क्या होते हैं? ये मेनली प्रेजेंट्स होते हैं जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रो एटम बोलते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये ऐसे आपको समझना है कि एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड कार्बन ऑल नोन एटम इज हेट्रो एटम फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए अदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, वो कैसे हैं? हेट्रो एटम्स हैं। अब जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं इनको भी हम क्या करते हैं? टू क्लास में डिवाइड करते हैं। यहां पर सिंपल डिवीजन आपको दिखा रहे हैं। एक आपका हो जाता है एलीसाइक्लिक कंपाउंड, एलीसाइक्लिक कंपाउंड, और सेकेंड आपका हो जाता है यहां पर बी हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। एलीसाइक्लिक कंपाउंड, सेकेंड क्या हो जाता है? एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये हो गया। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ एलीसाइक्लिक कंपाउंड? तो जो ये एलीसाइक्लिक कंपाउंड है और एरोमेटिक कंपाउंड है, अगर इसको थोड़ा सा और हम टर्मिनोलॉजी यूज करें तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे? होमो एलीसाइक्लिक कंपाउंड, होमो एलीसाइक्लिक कंपाउंड, और यहां पर क्या हो जाएगा? होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये क्या हो जाएगा? होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स हो जाएगा। तो एलीसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? बिहेव्स लाइक एज एल्केन, बिहेव्स लाइक एज एल्केन, बट फॉर्म रिंग लाइक स्ट्रक्चर। बट फॉर रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जो एलीसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं इनका जो अगर हम बिहेवियर्स की बात करें तो ये कैसे होते हैं? लाइक एज एल्केन की तरह बिहेव्स करते हैं, बट जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल्स में हम क्या देखते हैं? इसकी एग्जांपल्स की हम बात करें तो दैट मींस ये आपका साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, यहां पर जितने कार्बन है, और अगर जैसे हम एग्जांपल्स ले लें CH3 या प्रोपेन ही ले लेते हैं, CH3 CH2 CH3, यहां पर जो कार्बन है कैसे सिंगल बॉन्डेड है, कैसे है? सिंगल बॉन्डेड है। यहां पर भी कार्बन कैसा है? सिंगल बॉन्डेड है। ये जितने कार्बन है इनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। और यहां पर भी हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। अदर एग्जाम्पल साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? एग्जाम्पल हो जाएंगे होमो एलीसाइक्लिक कंपाउंड, होमो एलीसाइक्लिक कंपाउंड। क्या करते हैं? बिहेव्स एज एल्केन, जैसे एल्केन होता है ऐसे इनका बिहेवियर्स होता है, बट फॉर्म रिंग लाइक स्ट्रक्चर। क्या करते हैं? रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं।
और यहाँ पर जब हम बात करते हैं होमो एरोमेटिक की, तो सबसे जो हमारा बेस्ट एग्जांपल होता है वो क्या होता है, बेंजीन। होमो एरोमेटिक में सबसे जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो क्या होता है, बेंजीन का होता है। नेक्स्ट हम जब मूव करते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में, तो हेट्रोसाइक्लिक का अगर हम डिवीजन करते हैं तो हेट्रोसाइक्लिक भी टू पार्ट में डिवाइड की गई है। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा हेट्रो, ये ए हमारा है, हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड, हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड, और सेकेंड क्या हो जाएगा, बी हेट्रो एलीसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रो एलीसाइक्लिक कंपाउंड, ये हो जाएगा टू डिवीजन। अब इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं कि जो मेरे पास कंपाउंड्स हैं इनका क्या होगा एग्जांपल्स। तो हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स यहां पर हम देखें, ये हो गया, मैंने कहा हेट्रो एटम दैट मींस नाइट्रोजन यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। नेक्स्ट पिरिडीन एंड ये भी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स है, और एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसा है, जहां पर हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड, दैट मींस हेट्रो की मीनिंग क्या होती है कि हेट्रो एटम अदर देन कार्बन हाइड्रोजन सच एज ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर फास्फोरस एटम प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, हेट्रो एटम्स बोलेंगे, उनको हम क्या कहते हैं, हेट्रो एटम बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेट्रो एलीसाइक्लिक कंपाउंड, तो यहां पर मैंने बताया कि जो एलीसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं कैसा बिहेव उनका होता है, सेम लाइक एस एल्केन, एल्केन में हम देख रहे हैं सिंगल बॉन्डेड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बट स्ट्रक्चर कैसा होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहां पर हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे, एग्जांपल्स हम देखेंगे ये आपके कैसे हैं, हेट्रो एलीसाइक्लिक कंपाउंड। तो मेनली हम समझेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम टू क्लास में डिवाइड कर रहे हैं, एक आपका ओपन चेन, दूसरा क्या हो जाएगा, क्लोज चेन, दैट मींस क्लोज चेन को हम क्या बोल रहे हैं, साइक्लिक कंपाउंड, और साइक्लिक कंपाउंड्स भी आपका डिवाइड हो रहा है होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमो की मीनिंग क्या हो गई, ओनली कार्बन और एंड हाइड्रोजन एटम, तो होमो ये हो गया, और साथ में तो सेकेंड क्या हो जाएगा, हेट्रो हो जाएगा, सेकेंड क्या हो जाएगा, हेट्रो हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक, दैट मीन साइकिल का तो फॉर्म होगा बट वहां पर क्या होंगे, मिनिमम वन हेट्रो एटम प्रेजेंट्स, मिनिमम वन हेट्रो एटम प्रेजेंट, कोई भी आपका ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर और फास्फोरस यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट्स होगा। ऐसे हम देखते हैं कि जो हमारा होमोसाइक्लिक है इसको भी हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, होमो एलीसाइक्लिक कंपाउंड एंड होमो एरोमेटिक कंपाउंड, वेयरएज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आपका कैसे डिवाइड होता है, हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड एंड हेट्रो एलीसाइक्लिक कंपाउंड। तो देन उनकी ये एग्जांपल्स हैं। चैनल पर हमारे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको केमिस्ट्री की अपडेटेड वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।